दारू पी थी नमस्कार, मैं किशोर। इस वक्त हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं। उधमपुर से 13 से 14 किलोमीटर दूरी पे राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गांव पड़ता है मोड़। मोड़ इलाके में एक पेट्रोल टैंक पूरी तरह से ब्रिगेड को जरूर इस वक्त यहाँ पे होना चाहिए के साथ, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है। टेम्परेचर का मैं बात करूं, आए दिन 3-4 दिन से आप देख रहे हैं तपती गर्मी में। आए जंगलों की मैं बात करूं, हर जगह जो है वो आग लगी हुई है, लेकिन ये कोई डीजल की गाड़ी नहीं है। इस वक्त आप देखिए यहाँ पे फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा है और पूरी तरह से जब प्रयास अब तो ये किए जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ये पेट्रोल टैंक है, क्योंकि यहाँ इसको अभी यहाँ पे अलग अलग क्रेनें यहाँ पे पहुंचाई दी गई हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड जहाँ पे मौके पर पहुंचा है, आप देखिए यहाँ पे खतरा बना हुआ है, क्योंकि जहाँ कहीं तपती गर्मी में लोगों को जरूर समझाया जा रहा है कि यहाँ पे खड़े ना होए, लेकिन जहाँ पे इस वक्त जो है वो खतरा बना हुआ है। ये आप तस्वीरें राष्ट्रीय राजमार्ग मोड़ से देख रहे हैं। मुझे और मेरे कैमरामैन साहिल शर्मा को दीजिए इजाजत और देखते रहिए। पुलिस पूरी तरह से पेट्रोल भरा हुआ है और जब पेट्रोल की आप लीकेज देखिए, हर जगह से जो है पेट्रोल की लीकेज हो रही है। और यहाँ पे आप देखिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग, और यहाँ से हजारों की तादाद में इस वक्त भी जो है गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें पुलिस प्रशासन इस वक्त यहाँ मौके पर पहुंचा है और जो चालक है उनको हिरासत में ले लिया गया है। और जब हमने चालक से बात की, वो दोनों इस वक्त जो है नशे में हैं, लेकिन उनसे बात हम नहीं कर पाए, क्योंकि वो इस वक्त उनकी जो हालत है वो नशे में है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये बताता चलूं कि ये पंजाब से कश्मीर की तरफ जा रहे थे। मोड़ इलाके में ये पेट्रोल टैंक पहुंचता है और बीचों बीच ये जो देखिए पूरी तरह से आप देखिए टायर की हाल देखिए, हर जगह से इस वक्त जो है पेट्रोल लीक हो रहा है। और बड़ा हादसा, मैं आपको ये बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है, क्योंकि जहां से आप देखिए हम 10 मिनट से यहां पे फायर ब्रिगेड का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहां पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची है। पुलिस के कुछ अधिकारी जरूर यहां इस वक्त पहुंचे हैं, लेकिन इस राष्ट्रीय राजमार्ग की मैं बात करूं उस एरिया को जरूर बंद किया गया है, जो कश्मीर की तरफ जम्मू से कश्मीर की तरफ जो गाड़ी जा रही है उसको एक तरफ इस वक्त चलाया जा रहा है, क्योंकि यहां अभी खतरा टला नहीं है। क्योंकि इसी तरह से अगर पेट्रोल से भरा हुआ ये टैंक है, क्योंकि हर जगह से लीकेज हो रही है और तपती गर्मी में